दोस्तों ये तीन कटोरी में ले लिए मैंने चावल और तीन कलर ले लिया है, फूड कलर है ये, तो ये लाल है, ग्रीन है, ये पीला है, और ये है पानी। और अभी इनको मैं चावलों को कलर करके रख दूंगी। ये है लाल कलर, ये है हरा कलर, ये है पीला। तो अभी मैं पहले ये लाल वाला लाल कर देती हूँ। थोड़ा सा डाला है मैंने पानी और ये एकदम लाल हो जाएंगे। तो ये लाल चावल बनके हो गया है तैयार। अभी बना लेते हैं ये पीले। लाल बन गया है और पीला वाला भी बन गया है। और अब बारी आती है ये हरिया वाला, तो ये भी बना देती हूँ। तो ये तीनों कलर बन के तैयार हो चुका है, आप लोग भी देख लीजिए। और ये थोड़ा थोड़ा गीला हुआ है, तो ये सुबह तक एकदम सूख जाएंगे। और बचे सजाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये ऐसे घर पे बना सकती है, कितना अच्छा बना ना, बहुत अच्छा बना है। तो देख लीजिए कितना अच्छा रंगोली बनके तैयार हुआ है चार कलरों से। और पूजा हो चुकी है, आप लोग भी देख लीजिए और माता रानी का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और ये देख लीजिए कलश स्थापना, तो सबसे अच्छी मुझे कलश स्थापना लग रही है। और आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है वो आप लोगे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और प्रसाद में बनाया है मैंने हलवा, और ये माता जी का प्रसाद तो अलग से आते ही है, मखाने और पंचमेवे के प्रसाद होती है ये। और इधर माता रानी के लिए 16 श्रृंगार मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है। और इस कुंडी के अंदर मैंने जो बो रखे हैं वो जो बोए हैं। और आप लोग भी कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिख देना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। तो पूजा हो चुकी है मेरी और अब मैं बना ले रही हूँ चाय। और टाइम हो चुका है 11 बज चुकी है। पूजा तो हमने 10 बजे कर ली थी, लेकिन बाद में हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, इसलिए इतना टाइम हो चुका है। और पहले चाय अब बना ले रही हूँ, 11 बज चुकी है, तो अब मैं बनाती हूँ चाय। और बच्चे इतनी देर तो ज़िद कर रहे थे कि हमें भी व्रत करना है, हम भी नवरात्रि का व्रत करेंगे। लेकिन 11 बजे तक तो व्रत किया था उन लोगों ने, और 11 बजने के बाद में बोले कि हमें तो भूख लग चुकी है। तो मैंने प्रसाद में बनाया था हलवा, तो उनको एक एक कटोरी हलवा दे दिया है मैंने। तो ये लोग तो नाश्ते कर चुके हैं और अभी इनको दूध बना के दे दूँगी, तो ये लोग दूध भी पी लेंगे और ये कुछ और खाना खाएंगे, तो मैं खाना भी बना दूंगी। और मेरे लिए खाना मैं शाम को बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। तो
बच्चे लोगों से तो रिया ही नहीं गया, वरते नहीं कर पाए वो लोग, तो अभी बोल रहे कि हम लोग भी व्रत करते हैं। तो मैंने तो एक बार उनको एप्पल और बनाना भी खिला दिया था दियाबत्ती पूजा होने के बाद में, लेकिन वो लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो मैंने बोला कि चलो आप लोग नाश्ता कर लो, तो वो लोग नाश्ता कर लिया है और मैं आ गई हूँ कमरे के अंदर और लाइट बंद कर देती हूँ। ये कर दिया लाइट बंद मैंने, और अभी बैठ जाती हूँ थोड़ी देर सुकून से, और चाय तो पी लेती है। भगवान जी पता नहीं क्या हो रहा है, दुख रही है कमर, कमर बहुत ज़्यादा दुख रही है, लेकिन कोई दवाई नहीं बता रही है, क्या करें कमर का। और बालों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, सफ़ेद बाल आ रही है, देख लीजिए आप लोग भी, बूढ़ी हो गई हूँ। चाय के बिना उबासी आ रही है चाय के बिना, तो अभी चाय पी लेती हूँ। और उधर देख लीजिए कितना सामान पड़ा है, नवी साड़ी मंगाई थी वो भी पड़ी है, और ये ली हमारी अलमारी भी खुली पड़ी है, तो आप लोग देख लीजिए ठंडी हुई पड़ी है अभी तो। पर अभी साफ सफाई, ये नवरात्रि पूरी हो जाए उसके बाद में मैं साफ सफाई की लगूंगी, ज़्यादा तो नहीं है साफ सफाई, तीन चार मकान है तो उनको साफ करना है, और ऊपर की भंडारी वो तो बच्चों से साफ करवा ली थी मैंने शनिवार के दिन। ये सब है तो ये बुक्स पड़ा है उनमें रखती हूँ मैं, मेरी साड़ी भी रखती हूँ और बच्चों का कपड़ा भी रखती हूँ, और ये अलमारी देख लीजिए 17 साड़ी तो ऐसे हैंगर में लटका के रखी हुई है, और नीचे बहुत सारी नीचे साड़ी, सबको मैं ये 5 या 7 साड़ी रखूँगी बाहर, और सारी साड़ी मैं बेड के अंदर डाल दूँगी। हेलो दोस्तों, टाइम हो चुका है शाम को की, 7 बज चुकी है, और मैं बना रही हूँ अभी सब्जी और मेरे लिए रोटी। तो मैं दोपहर में खाना नहीं खाया था, अभी खाऊंगी खाना। अरे देख आज मैं तो ना सब्जी भिंडी की बना वाली, पर क्या करे अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने तोरू कट कर ली है तो। अभी टाइम हो रहा है शाम को की, 7 बज चुकी है, तो मैं आ गई हूँ किचन में, किचन में आ गई, और अब बनाऊंगी मैं मेरे लिए खाना। तो खाने में बनाती हूँ मैं तोरोई की सब्जी और रोटी और हलवा, सुबह का भोग के लिए बनाया था वो पड़ा है तो वही थोड़ा सा ले लूँगी, और मीठा तो व्रत करते हैं उस दिन मीठा खाने का मन भी नहीं होता है, और बच्चे लोग इतने शैतानी करते हैं तो उनको तो बार बार डांटना पड़ता है, नहीं तो ये ना किसी की सुनते हो और ना किसी को सुनने देते हैं, इसलिए उन लोगों को मैं डांट के आई हूँ। तो अभी छोंक दूँगी सब्जी, और सब्जी छोंकने के बाद में मैं लगा लूँगी आटा, और आटा लगाने के बाद में मैं माता जी की पूजा कर लूँगी शाम को की पूजा,
और उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी, रोटी बना के और खा पी के फ्री हो जाएंगे। तो सब्जी बन चुकी है और आटा लग चुका है, आप भी देख लीजिए, ये आटा लगा के रख दिया है मैंने। और ये सुबह का थोड़ा सा हलवा बना है, तो मीठे में ये ले लूँगी, इतना बहुत ज़्यादा होएगा। और लोग भी देख लीजिए, सब्जी भी बन के तैयार हो चुकी है, दूध गर्म हो चुका है और दूध को भी ढक्कन लगा देंगे। और अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटी, रोटी बना लेती हूँ और रोटी खा लेते हैं, और उसके बाद में और भी काम करना है मुझे, तो मिलते हैं खाना बनाने के और खाने के बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो मेरा काम सारा हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है, आप लोग भी देख लीजिए, 10:39 हो चुकी है। और काम तो कब का ही हो गया था, 9 बजे, लेकिन कपड़े पड़े थे तो उनके प्रेस करने लग गई थी, क्योंकि बच्चे कल सुबह स्कूल जाने वाले हैं, तो प्रेस करके रखा। और धुले हुए कपड़े भी थे तो ये सब सेट करके रखा है। और आप लोग भी देख लीजिए, ये ट्राईपॉड पड़ा है ऊपर, इनको ऊपर रख दिया मैंने। कल सुबह जल्दी उठ के मैं झाड़ू निकालूंगी, तो झाड़ू के बीच में कुछ नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैं इस टाइम सामान जगह पे सेट कर देती हूँ और दिक्कत ना होए सुबह झाड़ू निकालने में। और अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए, और बच्चे लोग तो सो गए, नींद भी आ गई उनको, और मैं अभी सो जाती हूँ। और काम, सुबह जल्दी उठना भी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, और साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करके सुबह जल्दी जल्दी भी भगवान जी की पूजा आरती भी करनी है। तो अभी के लिए सो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, शुभ रात्रि। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है ये मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों के फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए। और मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।